Let's talk about the gearing department in both of the bicycles. अरे भाई एक बात बताओ, इसमें से महंगी कौन सी लग रही है? इसमें से दोनों में से महंगी तो भाई एक ही लग रही है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूंगा इसकी स्मूथनेस देखेंगे, सो दिस इज काइंड ऑफ स्मूथ वन। एंड अगर इसके सस्पेंशन की मैं स्मूथनेस देखूँ तो इन दोनों बाइसाइकिल को मैं फेंक के देखूंगा, देखते हैं कौन सा तो फ्लोट करेगी। Hey guys, this is Fatbik Vaibhav. This was the most demanded video on my channel. So, मैंने 91 का रिव्यू करा था एंड मैंने काया का रिव्यू करा था। इवन दो 91 की जो वीडियो थी काफ़ी पहले बनी थी एंड काया की थोड़ी सी लेट बनी थी, लेकिन शायद काया की पहले अपलोड हुई थी। सो दैट वाज द थिंग कि इन दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है ना वो सिमिलर थी एंड आप लोगों ने ये डिमांड किया कि इन दोनों बाइसाइकिल में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली लेट मी टेल यू द ओवरव्यू इन दोनों बाइसाइकिल्स में। सो दिस इज द बाइसाइकिल फ्रॉम काया, दिस इज काया स्प्लिट 27.5। इसमें आते हैं वाइट टायर्स जो कि है आपके 27.5 के एंड प्लस साइज को माना जाता है। एंड इफ यू सी द 91 ओवर हियर, ये जो सीरीज है दिस इज वेंटेज एक्स एंड एक्स का मतलब ये होता है एक्सट्रीम सीरीज, उसमें क्या होता है वाइट टायर्स होते हैं। एक्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसके भी टायर वाइड है। लेट्स टॉक अबाउट द गियरिंग डिपार्टमेंट इन बोथ ऑफ द बाइसाइकिल्स। दोनों ही बाइसाइकिल में सिमिलर अमाउंट ऑफ गियर्स आते हैं, दैट इज 21 स्पीड। अगर हम यहाँ काया में देखेंगे तो यहाँ पर हमें माइक्रो शिफ्ट के 21 स्पीड गियर्स मिल जाते हैं। नाउ इफ यू लुक एट द 91, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे यहाँ पर भी 3x7 सिस्टम मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको शिमानो का मिलता है। तो दिस इज टूनी। सो टूनी जो गियर होता है ना वो शिमानो का बेसिक गियर होता है, बिकॉज एंटी लेवल बाइसाइकिल में ये वाले गियर आते हैं। जैसे हम काया देखेंगे तो यहाँ पर आपको माइक्रोशिफ्ट के गियर्स मिल जाते हैं। अब मैंने माइक्रोशिफ्ट की एक वर्सेस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 50 फिट ट्रिप के गियर्स कंपेयर करे थे। एक थे उसमें माइक्रोशिफ्ट का वर्जन एंड एक था आपका शिमानो का वर्जन। एंड उसमें जो कंक्लूजन निकली थी वो ये कंक्लूजन थी कि जो 21 स्पीड शिमानो है वर्सेस जो 24 स्पीड आई गेस माइक्रोशिफ्ट होता है उनमें 19-20 का फर्क होता है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो यहाँ पर 3x7 का माइक्रोशिफ्ट आता है। सो ये वाले जो गियर्स है एज कम्पेयर टू द शिमानो ये थोड़े से लोअर ग्रेड मान जाते हैं। जैसे अगर वो मैं 19-20 बोलूंगा तो इसको मैं 18 या 17 versus 20 कहूंगा। तो वैल्यू अगर मैं गियर वाइज देखूँ या फिर वैल्यू फॉर मनी बोलूँ या जो भी करूँ तो मुझे 91 के गियर्स थोड़े से ज़्यादा बेटर लगते हैं। अरे भाई एक बात बताओ, इसमें से महंगी कौन सी लग रही है? इसमें से दोनों में से महंगी तो भाई एक ही लग रही है, ये वाली। ये वाली, चलो ठीक है। दिस वॉज इट। मैंने ना ये पॉइंट लास्ट में बताना था, मैं अगर पहले लोग आ गए तो पहले बता देता हूँ। सो टू अ नॉर्मल ऑडियंस जो कि साइक्लिस्ट नहीं है वो हमेशा काय को ज़्यादा एक्सपेंसिव बोलते हैं। इवन हमने जब काय की वीडियो बनाई थी तो वहाँ पर एक कपल जा रहा था, उन्होंने शायद ये बोलता ना 70,000 rupees की बाइसाइकिल लग रही है ये। हाँ, तो वो एक्चुअल में इससे सस्ती साइकिल है ये। लेकिन तब भी अगर आप राइडिंग वाइज देखोगे तो ये वाली बाइसाइकिल ज़्यादा महंगी लगती है लोगों को। अगर ब्रांड वैल्यू की बात करो तो काया और 91, जो काया है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव प्ले कर रही है। इन्होंने साहिल खान से सीधा पर अपनी प्रमोशन करा ली। साहिल खान इज़ अ वेरी फेमस बंदा, तो उसे कॉन्ट्रोवर्सी में भी है वो वैसे तो, एंड उसकी वजह से काया का जो नेम था वो काफ़ी ज़्यादा बन गया। अब ये नया ब्रांड आया है एंड नया ब्रांड ही लोगों को काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्नाइज है। लेकिन अगर हम 91 की बात करेंगे, इसकी ब्रांड वैल्यू काया से बहुत ही ज़्यादा है। वाई इज़ दैट? बिकॉज 91 है, उसने काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन करी इन्फ्लुएंसर्स के साथ, हर जगह उन्होंने अपनी पब्लिकेशन करी है। जैसे कि मैंने शायद अपने गूगल अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था कि गूगल न्यूज़ पे कि इनको इतनी बड़ी फंडिंग भी मिली है, तो दे आर डूइंग लाइक बहुत ही बड़ी मार्केटिंग कैंपेन वो लोग कर रहे हैं एंड उसकी वजह से उनकी जो ब्रांड वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बन रही है हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली इससे पहले जो 91 थी ना इसका नाम था आई गेस फ्रॉक साइकिल। तो फ्रॉक जब मैं 91 में कन्वर्ट हुई तो एट दिस पॉइंट जब भी कोई ब्रांड कन्वर्ट होता है ना तो उसकी जो ब्रांड वैल्यू होती है काफ़ी डाउन हो जाती है, कोई ज़्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करता। लेकिन 91 के टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। 91 के टाइम पे काफ़ी लोग इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, काफ़ी इसके नेम से इसको जानते हैं। मैं फिर टॉक अबाउट द काया। जैसे इसका जो मैंने आपको बताया था कि 91 का भी पुराना नेम कुछ था, काया का भी पहले कोई और नाम था, दैट वाज आई गेस अम्पा। जैसे अम्पा वॉरियर नाम के बहुत ज़्यादा फेमस साइकिल आती थी तो वो काया की होती थी। अब वो काया नाम चेंज हो चुका है एंड काया की वाली सारी सीरीज आ चुकी है। द नेक्स्ट पॉइंट ओवर हियर हम नोटिस करेंगे इसमें आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। अगर हम दोनों ही बाइसाइकिल्स की बैक एंड पे नोटिस करेंगे तो यहाँ पर नट एक्सल मिल जाता है। इन दी 91 तो यहाँ पर स्टैंडर्ड नट एक्सल दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँगा यहाँ पर भी आपको पीछे नट एक्सल मिलेगा, तो दोनों सिमिलर ही लग रही हैं। अगर मैं फ्रंट में जाऊंगा काया का तो यहाँ पर आप देखेंगे फॉक के पास यहाँ पर कोई भी आपको क्विकलेज नहीं मिलता है, नॉर्मल नट एक्सल्स मिलते हैं। दीज आर जनरली स्ट्रॉन्गर। लेकिन अगर वर्सिटिलिटी की बात करें कि अगर आपको गाड़ी में साइकिल डालनी है तो मे बी अ क्विकलेज इज ऑलवेज बेटर। एंड अगर हम यहाँ पर देखेंगे इन दी 91 तो यहाँ पर आपको क्विकलेज मिल जाता है।
लेट्स टॉक अबाउट मोर कंपोनेंट्स ओवर हियर. अगर मैं काया में यहाँ पर नोटिस करूँगा तो यहाँ पे जो स्टेम है वो किसी अनब्रांडेड टाइप की है या मुझे एग्जैक्टली इसका ब्रांड नहीं पता लग रहा है. काया का ऑब्वियसली स्टिकर इसके ऊपर लगा हुआ है लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली फ्रॉम नेको. लेकिन अगर हम 91 में देखेंगे तो यहाँ पे आपको नेको का हेडसेट मिल जाता है. नेको जो आपका हेडसेट होता है वो काफ़ी कॉमन बाइसाइकिल्स में आता है. हर बाइसाइकिल में आपको यही हेडसेट मिलता है एंड दिस काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड हेडसेट. नाउ इफ यू लुक एट द पेडल्स ओवर हियर तो आपके जो 91 के पेडल्स हैं इसमें भी आपको नेको के पेडल मिलते हैं. हाउएवर दीज आर प्लास्टिक. अब कई लोग कहते हैं कि प्लास्टिक बेटर है, कई लोग कहते हैं एल्यूमिनियम बेटर है. लेकिन अगर हम यहाँ पर नोटिस करेंगे तो काया में आपको एल्यूमिनियम के पेडल्स मिल जाते हैं. लेकिन मैं इसकी स्मूथनेस अगर देख रहा था ना, ये नेको से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी. इफ़ यू सी ओवर हियर देखो कितनी ईजिली मूव कर पा रहे हैं. नाउ यही सेम चीज़ मैं यहाँ नेको में करके दिखाता हूँ एंड ये आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट दिख रही है. देखो अब नाउ दिस इज सस्पेंशन ओवर हियर. तो जो काया की स्टैंशन हैं यहाँ पर आपको ब्लैक डाउट स्टैंशन मिल जाती हैं. लेकिन अगर हम यहाँ 91 की स्टैंशन देखेंगे दीज आर क्रोम. एज सच कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, लुक्स वाइज में फर्क आता है. मुझे ऑब्वियसली ब्लैक पसंद आती है लेकिन अब इसकी स्मूथनेस देखेंगे सो दिस इज काइंड ऑफ स्मूथ वन. एंड अगर इसके सस्पेंशन की मैं स्मूथनेस देखूँ थोड़ी सी फर्मनेस में है, थोड़ा सा हार्ड है. ऑब्वियसली फर्क ये भी हो सकता है कि वो राइडर के वेट के हिसाब से हो, लाइटर राइडर के लिए हो या ये हैवियर राइडर के लिए हो. लेकिन एट दिस पॉइंट आई वुड गिव अ प्लस पॉइंट टू द 91 बिकॉज मैंने स्टैंशन का क्या बोलते हैं डायमीटर भी देखा था घर पे, तो इनका जो डायमीटर था वो थोड़ा सा ज्यादा था एज कम्पेयर टू दी काया. नाउ कमिंग बैक टू द टायर्स ऑफ द बाइसाइकिल, जो काया का जो टायर्स हैं दीज आर मड टायर्स. मतलब इसे काफी ज्यादा अग्रेसिव बीड्स हैं. सो अगर आप प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं, प्रॉपर मड में राइडिंग कर रहे हैं, जिनमें खास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ही मिलेगा. लेकिन अगर आप जो 91 के टायर्स देख रहे हैं दीज आर लाइक ऑफ रोड टायर्स. लेकिन अगर इसमें रोड राइडिंग हम कंपेयर करेंगे एज कम्पेयर टू 91 एंड द काया, तो मुझे 91 के जो टायर्स थे वो थोड़े से ज़्यादा बेटर लगे बिकॉज के अंदर स्मूथनेस है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दी काया. दोनों ही बाइसाइकिल में आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं. जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी आपको बॉटल होल्डर मिल जाते हैं एंड इफ यू सी द काया ओवर हियर तो यहाँ पर भी आपको सिंगल बॉटल होल्डर मिल जाता है. वो भी यहाँ पर मुझे पता नहीं कि बोल्ट्स नहीं दिख रहे हैं. दोनों ही बाइसाइकिल के मैंने सस्पेंशन देखे तो यहाँ पर मुझे लॉकआउट नहीं मिला. जो दोनों ही बाइसाइकिल के प्राइस है दैट इज क्लोज टू 20,000 रुपीज. उसमें आई वुड हैव एक्सपेक्टेड कि इसमें लॉकआउट मिल जाता है. मतलब ऑनटेक जैसा ब्रांड भी आपको लॉकआउट दे रहा है. अगर दोनों ही बाइसाइकिल आपको स्टील फ्रेम में मिल जाती है तो इज अ काइंड ऑफ हैवी बाइसाइकिल्स. का थोड़ी सी लाइट लग रही है मुझे यहाँ पर, इसका वेट करके देखता हूँ मैं. ये भी लाइट है मेरे बॉडी में की क्या थोड़ी सी हैवी है. मतलब काया हार्डली थोड़ी सी लाइटर है एंड ये थोड़ी सी हैवी है. ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर वेट ही कह सकते हैं. नाउ फिर सीधे सीट ओवर हियर, तो काया की जो सीट है मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार दिख रही है, देखने में काफ़ी सही लग रही है. लेकिन मैं 91 की सीट देखूंगा, ये भी सही है अपने हिसाब से, उन्होंने अच्छी डिजाइनिंग करी हुई है. कंफर्ट वाइज मैंने 91 पे राइड किया तो मुझे ज़्यादा बेटर लगा. काफ़ी सीधे क्लैंप ओवर हियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि काया में यहाँ पर थोड़े से स्क्रैचेज आने स्टार्ट हो गए हैं. दिस इज थिंग जो काफ़ी लोग कंसिडर करते हैं. मतलब मैं ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं करी अपनी सीट्स. एंड अगर मैं 91 में देखूंगा तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर स्क्रैचेस है कि नहीं. इतने नहीं हैं, थोड़े से नाम नाम की यहाँ पर स्क्रैचेस अगर आप देख पा रहे होंगे तो हैं. लेकिन जो एज कम्पेयर टू जो काया इतने नहीं है इसके अंदर. तो दैट मीन्स इसका जो सीट स्टेम की जो पेंट है वो मे बी बेटर इन क्वालिटी है. एंड अगर मैं पेंट की बात ही कर रहा हूँ तो दोनों बाइसाइकिल की अगर मैं पेंट देखूँ तो काया की जो पेंट की क्या बोलते हैं स्टाइलिंग है या फिर जो इसकी अपील है वो बहुत ज़्यादा बेटर है. जैसे अभी वो लोग गए थे यहाँ पर, मैं ऑब्वियसली लास्ट में पॉइंट बताने वाला था कि जो देखने में ना साइकिल बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगती है, इसकी पेंट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हाई लगती है. एंड अगर आप ट्रैक देखेंगे ना तो उसमें भी आपको इसी टाइप का पेंट का डिज़ाइन मिल जाता है. लेट्स सी द प्राइसिंग ऑफ द बाइसाइकिल. जो 91 है वो 20,000 से ऊपर की बाइसाइकिल है. आई गेस 22,000 रुपीज़ की बाइसाइकिल है. लेकिन जो काया है दिस इज मच चीपर. ये आई गेस 19,000 रुपीज़ के आसपास है. एंड मैं मार्केट में देखा था इससे ज़्यादा चीप मिल रही थी. सो मे बी वैल्यू फॉर मनी अगर मैं जाऊँ तो काया मुझे ज़्यादा बेटर लग रही है. अगर मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस वगैरह देखूं तो मुझे 91 की ज़्यादा बेटर लग रही है इसमें. हाउएवर जो इसके ग्राफिक्स हैं, अगर एक मैच्योर बंदा होगा तो वो 91 ज़्यादा प्रेफर करेगा. इवन दो इसमें थोड़े से एलिमेंट्स ऐसे हैं, येलो टाइप के एलिमेंट है, येलो यहाँ पे फॉक है. लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूँ विद काया तो काया एक फंकियर बंदा ज़्यादा प्रेफर करेगा बिकॉज टीनेजर को ज़्यादा बाइसाइकिल पसंद आती है. इवन मुझे भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. सच बताऊँ अगर मैं राइड करना चाहूँगा ना, मैं कहूँगा मेरी फ्लैशी बाइक हो ताकि लोग मुझे देखें, अलग से दिखे बाइसाइकिल. वैसे अगर मैं 20,000 के बजट की बात करूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बाइसाइकिल आती है मार्केट में. लेकिन अगर हम प्लस साइज़ की बात करेंगे तो इतनी बाइसाइकिल्स नहीं आती है. मेजरली ये दो ही बाइसाइकिल्स आती हैं, एक ये आती है आपकी, एक एक काया आती है. एंड जो अलग क्या बोलते हैं प्लस साइज की बाइसाइकिल होती है वो अलग सेगमेंट में आती है. तो मे बी आपको चॉइसेस यही मिलने वाली है मार्केट में. सो इफ़ यू हैव ए 20,000 रुपीज़ बजट तो मे बी आप MTB भी ज़्यादा बेटर ले सकते हैं. उसमें आपको क्वालिटी भी बेटर मिल जाएगी, हाइब्रिड भी प्रेफर कर सकते हैं. लेकिन आपको सिर्फ फ्लैशी बाइसाइकिल चाहिए या फिर आपको मजा करना है ट्रेल्स के ऊपर, मे बी प्लस बाइसाइकिल्स आपके लिए हो सकती हैं. तो 91 की अगर आप देखेंगे बीट्स देखेंगे तो बच गए भाई, टाइम पे बच गए. अगर हम ब्रांड वैल्यू की बात करें, उससे पहले मैं शूज़ बांध दूँ, मैं इसके यहाँ खुल गया. नाउ इफ यू लुक एट द सस्पेंशन ओवर हियर,
जो 91 का सस्पेंशन है यहाँ पर आपको ब्लैक स्टैंचेस मिल जाती है। मैंने फिर गलत बोल दिया भाई, इसकी आँख। तुम सब यही रहने वाले हो क्या? अब यहीं रहोगे तो हम वहाँ चले जाते हैं, ठीक है? यहीं रहोगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई इन दोनों बाइसाइकिल्स के बारे में। इन दोनों की मेन वीडियो में बना चुका हूँ ऑन द यूट्यूब चैनल, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 91 की बनाई हुई है हमने, वो हमने बनाई थी लोधी आर्ट गार्डन में, लोधी आर्ट कॉलोनी में सॉरी। एंड ये जो बनाई थी हमने पंडाला हिल्स बनाई थी। तो दोनों ही बाइसाइकिल के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे, दोनों बाइसाइकिल की वीडियोज़ के लिंक्स वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे। मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम भी आप चेकआउट कर सकते हैं ताकि आपको सारे कॉन्टेंट मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। वीडियो पसंद आती है इसको लाइक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपने फ्रेंड के साथ वीडियो शेयर करें, उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि दोनों बाइसाइकिल में कौन सी बेटर है, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। दिस फैट बिग ऑफ साइनिंग ऑफ।